लाहौर हाईकोर्ट में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से नाम निकालने से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौकिफ इख्तियार किया कि करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का इल्ज़ाम लगाकर मरियम नवाज का नाम ECL में डाला गया। उनका मौकिफ तक नहीं सुना गया, जो ECL ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत को इस हवाले से दरख्वास्त नहीं दी, अदालत से बेहतर हमारे पास कोई फोरम नहीं। अदालत ने शहबाज शरीफ का नाम भी ECL से निकालने का हुक्म दे रखा है। जस्टिस बाकर नशवी ने रिमार्क दिए कि मरियम नवाज ऑर्डिनेंस के सेक्शन 3 के तहत विफाकी हुकूमत के सामने रिव्यू फाइल कर सकती हैं। अदालत ने मरियम नवाज के वकील को ECL से नाम निकालने के लिए विफाकी हुकूमत से रुजू करने का हुक्म देते हुए दरख्वास्त खारिज कर दी। फाजिल अदालत ने विफाकी हुकूमत को मरियम नवाज का नाम ECL से निकालने के मामले पर 7 रोज में फैसला करने का हुक्म भी दिया है।